हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि हमें पूरी प्रेगनेंसी कौन सी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी चीजें हम थोड़ी बहुत खा सकते हैं और इनको खाने से हमको क्या नुकसान होंगे प्लस हमारे बेबी को क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जंक फूड की। वैसे तो हमको पूरी प्रेगनेंसी जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि होता क्या है उस समय हमारा जंक फूड खाने का बहुत ज्यादा ही मन करता है, जैसे टिक्की, समोसा, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम। तो जहां तक हो सके इनको आप अवॉइड करें। अगर बहुत ज्यादा मन करता है तो आप कोशिश करें कि इनको बहुत ही कम मात्रा में खाएं। अगर आप इनको डेली खाती हैं या फिर बहुत ज्यादा खाती हैं तो इससे क्या होगा, आपका वजन बढ़ेगा और प्लस आपके जो है पेट पे भी एक्स्ट्रा फैट आ जाएगा और जिस वजह से आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा वेट बढ़ने की वजह से आपका जो है बीपी भी बहुत ज्यादा हाई रहने लगेगा और फिर इससे क्या होगा, आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज की भी शिकायत हो सकती है, क्योंकि जंक फूड में जो है बहुत ज्यादा हाई कैलोरी होती है और बहुत ज्यादा ही मात्रा में शुगर होती है और इसमें जो हमारे बच्चे के लिए पोषक तत्व चाहिए होते वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं और ये सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए होते हैं और इससे हमारे बच्चे को कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, इससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो आप कोशिश करें कि जहां तक हो सके इनको अवॉइड करें ताकि आप प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली गंभीर बीमारी से बच सकें। आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान हमको बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं करना होता है, सिर्फ 10 से 12 किलो ही वेट गेन करना होता है, तो ज्यादा वेट भी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। हमें पूरी प्रेगनेंसी के दौरान चाय या कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, जहां तक हो सके उसको अवॉइड करें, क्योंकि चाय या कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और अगर आप पीती हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और बच्चे को जो है अनिद्रा की भी प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, और इतना ही नहीं बल्कि उसको उसके माइंड डेवलपमेंट में और उसकी ग्रोथ में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि जहां तक हो सके इसको अवॉइड करें और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कोशिश करें कि एक या दो कप से ज्यादा चाय ना लें और जब भी आप चाय लें तो उसमें बहुत ही हल्की मात्रा में चाय की पत्ती का यूज करें, ठीक है। और आप कॉफी पिए तो उसमें भी आप बहुत हल्की मात्रा में ही कॉफी का यूज करें, ठीक है। आपको कच्चा दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि कच्चे दूध में बहुत ज्यादा हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, वो गाय का दूध हो या फिर भैंस का दूध हो तो या फिर पैकेट वाला हो, तो आप जब भी उसको पिए तो हमेशा बॉइल करके पिए। बॉइल करने से क्या होता है, उसमें जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और दूध जो है आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। और आपको कच्चा दूध बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना है, आप लेके आए तो उसको तुरंत ही बॉइल करें। आपको प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा अंडा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, आप जब भी खाएं उसको उबाल के खाएं और आप जो है हाफ फ्राई खाने की भी बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा अंडा खाती हैं उससे जो है आपको टाइफाइड होने की संभावना रहती है। टाइफाइड अगर आपको हो जाता है तो उससे क्या होगा कि आपको डायरिया भी बन सकती है और आपके पेट में दर्द भी रह सकता है, जिससे क्या होता है कि कभी कभी पेट में दर्द ज्यादा भी रहता है तो उससे क्या होता है कभी कभी बच्चेदानी में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से कभी कभी एबॉर्शन भी करवाने पड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कच्चा अंडा डाइजेस्ट भी करना आसान नहीं होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा अंडा गलती से भी ना खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको कच्चे मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जानवरों में जो है बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो अगर आप उनको जो है कच्चा खाने की कोशिश करती हैं तो जो उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी मीट वगैरह खाएं तो उसको जो है अच्छी तरह से पका लें, उसके बाद ही खाएं। इससे क्या होता है कि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। अगर आप जो है मछली खाने के बहुत शौकीन हैं तो आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ये भी कच्ची बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और आपको जो है इसका भी सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है मर्क्यूरी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है और ये एक तरीके का मिनरल होता है जो हमारी किडनी, लीवर, ब्रेन और ह्यूमन सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। तो आप कोशिश करें इसको जहां तक हो सके बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में खाएं और जब भी खाएं तो अच्छे से पका के ही खाएं। और आपको जो बहुत ज्यादा मिर्ची मसालों का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन फूड में बहुत ज्यादा तीखा यूज होता है, बहुत ज्यादा मिर्ची मसाले, हार्ड मसाले यूज होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा मिर्ची ना खाएं, आप जो है कम से कम ही मिर्ची खाएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा मिर्ची खाती हैं तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा जलन होगी पेट में, बहुत ज्यादा गैस बनेगी और कभी जो है आपको यूरिन करते समय जलन भी हो सकती है। तो आपको कोशिश करना है बहुत ज्यादा तीखा ना खाएं। अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है गर्मी के दौरान है तो आपको फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए और आपको कच्ची बर्फ भी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा ही नुकसान करती है और उस समय हमको बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसका जो सीधा इफेक्ट होता है
वो हमारे बेबी पे पड़ता है। अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ या पानी पीते हैं तो इससे क्या होता है, जब बेबी हमारा बाहर आता है तो उसको हर समय सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है और बाद में ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। बाद में फिर हम कितनी भी दवा कराएं या कुछ भी कराएं तो आप कोशिश करें कि आप कच्ची बर्फ बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आप खाती हैं तो बहुत कम ही मात्रा में लें। जहां तक हो सके आप बर्फ वगैरह को अवॉइड करें और आप जब भी पानी पिए तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना पिए। आप जो है कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा ताजा पानी ही पिए या फिर आप फ्रिज का पानी लेती हैं तो बहुत हल्का मिला के उसके बाद ही पिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट फ्रिज का पानी नहीं पीना है। वैसे आप कोशिश ये करें कि जहां तक हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करें क्योंकि हमारे बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ठंडा पानी पीने से क्या होगा कि आपकी जो है पेट में कब्ज वगैरह की भी बहुत ज्यादा समस्या बनी रहेगी, तो इसलिए और आपको जो है दर्द वगैरह भी रहेगा, आपकी नसें वगैरह भी तनी रह सकती हैं। तो आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप करती हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपके बच्चे की ग्रोथ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके डेवलपमेंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होंगी और समय से पहले डिलीवरी होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप पूरी प्रेगनेंसी इसको हाथ भी ना लगाएं। आप जो है पूरी प्रेगनेंसी सिगरेट या फिर किसी भी प्रकार का गुटखा या फिर पान मसाला उसको बिल्कुल भी खाने की कोशिश ना करें क्योंकि उसका भी इफेक्ट जो है हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा गलत पड़ता है, प्लस हमारे बच्चे के लिए भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। आपको जो है अंकुरित दालें या फिर अंकुरित चना बिल्कुल नहीं खाने हैं। आपको जब भी खाना है तो आप उनको अच्छे से धुल के और अच्छे से पका के ही खाएं क्योंकि कच्ची दालों और जो है चने में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो अगर आप उनको सीधा खाती हैं तो वो आपके जो है सीधा बॉडी के अंदर जाते हैं। अगर आप उनको उबाल के और अच्छे से पका के खाती हैं तो इससे जो है वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और आपकी बॉडी के लिए वो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होते क्योंकि उस समय हमारी जो पाचन क्रिया भी होती है वो भी बहुत स्लो हो जाती है तो वो कच्ची चीजों को आसानी से नहीं पचा पाती है और अगर आप पका के खाती हैं तो पचाने में भी आसान रहता है। और आप सब्जी वगैरह भी खाएं तो कच्ची बिल्कुल ना खाएं, अच्छे से धुल के और उसको पका के ही खाएं और आप जहां तक हो सके कच्चा सैलेड भी अवॉइड करें। और लास्ट में जो है आपको जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा हार्ड केमिकल होता है और आप सभी जानते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको जानकारी नहीं है तो उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।